रोडवेज कर्मचारियों की देखिए अमीरी। सेवानिवृत्त यूनियन वरिष्ठ उप प्रधान को भेंट की 15 लाख की कार। गोहाना उपकेंद्र में लंबे समय से परिचालक के पद पर कार्यरत हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ उप प्रधान और सांझा मोर्चा के सदस्य दिलबाग मलिक बीते दिन अपने 33 साल 3 माह और 14 दिन की सरकारी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर उपकेंद्र के कर्मचारियों ने न केवल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया बल्कि उनको 15 लाख की महंगी कार भी भेंट की। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कर्मचारी पहुंचे और दिलबाग को नोटों की मालाओं और उपहारों से लाद दिया। ध्यान रहे कि दिलबाग मलिक लंबे समय से कर्मचारी नेता के तौर पर कार्य करते रहे और तत्कालीन कई सरकारों से कर्मचारियों की मांगों को लेकर सीधे टकराव करते रहे, जिसके चलते उन्हें बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जैसे सरीखे सीएम बाई नेम जानते रहे। सेवानिवृत्ति के दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और इस वक्त गोहाना रोडवेज उपकेंद्र के बस संस्थान में हूँ मैं। आज दिलबाग सिंह मलिक की सेवानिवृत्ति हुई है। ये कितने टाइम तक इन्होंने डिपार्टमेंट की सेवाएं की, इनसे बात जानेंगे। और एक बहुत ही बड़ी बात है कि रिटायरमेंट पे इनको ये गाड़ी दी है, मुझे इसके नाम का तो नहीं पता, मैं स्वामी से पूछूंगा। और ये कितने लाख की स्वामी? 15 लाख। 15 लाख रुपए की गाड़ी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। दिलबाग भाई, ये आपकी जो डिपार्टमेंट की सेवाएं कितने सालों तक रही हैं? मेरी बहन जी, मैं दिलबाग मलिक राज्य वरिष्ठ उप प्रधान रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा और सांझा मोर्चा का वरिष्ठ सदस्य हूँ। मेरी नौकरी 33 साल और 3 महीने और 14 दिन की जो सर्विस करी है, जो मेरे को भाईचारा ने प्यार स्नेह प्रेम जो दिया है, मैं उसके लिए तय दिल से आभारी हूँ और हमेशा इनका ऋणी रहूँगा। और जो भी मैंने इनके साथ में जो काम किया है, मैंने बहुत ही आनंद जैसे महसूस किया है। ये जैसा मेरा परिवार यहाँ रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा है, गोहाना सब डिपो में कहीं भी हाल हरियाणा में जो जैसे इनका काम करने का तरीका मेरे पर जैसे मैंने इनको सिखाया है, मेरे से भी आगे बढ़कर जो इन कर्मचारी साथी काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। बहन जी, मैं जो आज ये रोडवेज कर्मचारी यूनियन सब डिपो गोहाना की जो कमेटी है, मेरे ऊपर जितना इन्होंने भार दिया है, यहाँ 15 लाख की गाड़ी 50,000 रुपये का अंदर जो आप देख रहे हो कि वो सटेज लगा रखे और जो पूरा खाना खर्चा भी इसी कमेटी ने, कहने का मतलब है 20 लाख रुपये करीब जो इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं, मेरे समझ में नहीं आता इतना मान सम्मान मैंने ऐसा इनके बारे में मैंने क्या काम किया है, जो इन भाइयों ने इतना मेरा मान सम्मान किया है। मैं इनका जितनी भी छोटी बात के ऊपर मैं जितना भी इनका सम्मान करूँ वो ना कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि मैं इनका किस मुँह से धन्यवाद करूँ। और जो भी मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी साथियों के बीच में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये साथी अगर जब मेरे को रात को भी 12 बजे या 2 बजे भी बुलाएंगे, मैं इनके लिए, मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। मतलब गोहाना उपकेंद्र एक तरह से अमीर है, जब 15 लाख की गाड़ी आपको दी है आपके सारे साथियों ने। और एक बात बताओ भाई, ऐसी क्या खास बात थी? आप यूनियन में भी लगातार मैंने देखा सरकार से सीधे टकराव आप रहा आपका। देखो बहन जी, एक बात जरूरी होनी चाहिए इंसान के अंदर, डटे रहो, कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और जो मंजिल मेरे को मिली है, मैं अपने कर्म के ऊपर डटा रहा। मेरी सबसे बड़ी खास बात ये रही है, कोई भी साथी को आना सब डिपो में और दूसरे डिपो में भी एक बात कर दे, अब दिलबाग मलिक ने किसी का पानी भी पिया पैसे की, तो बहुत बड़ी बात है। जो आज इतना पैसा मान सम्मान दिया है, ये मेरी एक ईमानदारी, मेरी जो कार्यशैली है, इन भाइयों ने उसी का मान सम्मान करते हुए आज जो मैंने पैसे नहीं लिए उनका, इन्होंने ब्याज समेत जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाया है, नहीं उतारा नहीं इन्होंने मेरे ऊपर जो कर्जा चढ़ाया, मैं इनका हमेशा ऋणी रहूँगा। हाँ, एक बात जरूरी नहीं, इनसे मैंने बार बार बोलता हूँ, देखो भाई, कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ईमानदारी से कर्म करो, कोई भी आपको रहने वाला नहीं, एक परमात्मा से सिवा। एक क्रांतिकारी कर्मचारी रहे हैं और क्रांतिकारी जो कर्मचारी है वो सेवानिवृत्ति के बाद भी कभी आराम नहीं करता, मैंने देखा है। तो अब जैसे सरकार के तो कागज कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उसके बाद एक सामाजिक जीवन शुरू हो जाता, रिटायरमेंट नहीं कह सकते, उसके बाद आपके साथियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा ये संदेश रहेगा, तब भी मेरे साथियों ने मेरी जरूरत पड़ेगी, सामाजिक कार्य मैं तो करूँगा। मेरी एक बचपन से ऐसी आदत रही है, मैं कभी भी खाली नहीं रह सकता, फिर वो कर्मचारियों के प्रति हो या फिर सामाजिक कार्यों के प्रति हो, मैं अपने कर्मचारियों के बीच में भी रहूँगा। जो समाज की जो संस्थाएं हैं, जैसे गौशाला और कुछ है, मैं उनके बीच में अपना जीवन है ना एक भरपूर आनंद से रोडवेज के अंदर कराया है, किसान यूनियन है, चाहे और कोई भी एजुटेशन सरकार के खिलाफ, अगर किसी भी इंसान के या किसी कैटेगरी के खिलाफ सरकार या कोई आदमी
ऐसे पे दकड़ता मिल गया तो मैं इस बात में मैं उन पर सहन नहीं कर सकता। ये तो लगी रहा है आप भरा पूरा जो बात कह रहे हैं, आपका गला भी पूरी तरह से भरा हुआ है और इतनी बड़ी मतलब जो मान सम्मान दिया है स्वामी जी। मैं पूछना चाहूँगी स्वामी, आपके मित्र हैं आज सेवानिवृत्त होके चले हैं, तो कैसा लग रहा है? ऐसा जी, एक तरफ से तो बड़ी दुखी का भी समाचार है, साथी हमसे पिछड़ के जा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात है खुशी खुशी हमारे भी जा रहे हैं। वो साथियों जो हमने मान सम्मान कराया है, इनकी जो कार्यशैली रही है ईमानदारी से, इन्होंने अपनी 33 साल की सर्विस में ईमानदारी से कार्य किया है। चाहे किसी कर्मचारी का काम को लेकर अधिकारी के साथ झगड़ा करना हो, इनका व्यवहार इतना टकराव भी रहा है कर्मचारी का, मतलब न्याय दिलाने के प्रति, तो आज कर्मचारियों सभी कर्मचारियों को खुशी होगा हमने कि ये बेड़ा उठाया। भैया हमें इनके जाने के बाद इनको क्या मान सम्मान हमने इनको देना चाहिए। हमने ग्रांट भी डाला इनके लिए, 15 लाख की इनकी गाड़ी बुक करी और इनको छोटा गिफ्ट मानते हम तो इसको, और अभी भी हम से ये प्रार्थना करते हैं आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे ताकि हमें आगे भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको बुलाते रहेंगे। एक बार चाबी सौंप रहे हैं दिलबाग भाई को, ये गाड़ी है 15 लाख की और इसको भी बहुत कम बता रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि गोहाना उपकेंद्र के जो कर्मचारी है वो दिल से बहुत ज्यादा अमीर है, अपने साथियों को अच्छे गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ है कि जो गाड़ी दी है यूनियन के मतलब अध्यक्ष को। भाई हमारी भी शुभकामनाएं जगत महान की तरफ से दिलबाग भाई, गोहाना उपकेंद्र से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार, जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।